गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमें देखना है जो रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शन क्या होती हैं। इसमें दो तरह की होती हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन एंड दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसमें समझना है आपको कि एक बात ये समझनी है आपको कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं ऑफ अ रिएक्शन डजेंट गिव द पिक्चर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी हमको बैलेंस रिएक्शन दिखाई देती हैं उन बैलेंस रिएक्शन से हमें रेट ऑफ रिएक्शन का सही सही आइडिया नहीं आता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने देखा कि एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ नीड टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि जो आप वो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो कैसे निकलती है, मतलब एक्सपेरिमेंटली। तो अब इसको समझना है कि एग्जांपल से आपने समझना है, जैसे एक रिएक्शन इन अ रिएक्शन ऑफ टाइप, जैसे एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, इसमें ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी जो हैं ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगा, रेट इक्वल्स टू ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी आप नहीं लगाएंगे यहाँ पर को, बल्कि आप क्या लगाएंगे, रेट इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई लगाएंगे। तो इससे इस रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ये ध्यान देना आपको, इसकी ऑर्डर जो हो जाएगी इससे ए प्लस बी ना होके क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, और ए प्लस बी कैन नॉट बी यूज़ यहाँ पर को, ए प्लस बी को आपने यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट कैन नॉट बी यूज, यही बात हम लिख रहे नीचे से कि जो ए और बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट था, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एवरी रिएक्शन। कुछ रिएक्शनों से तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट को लगा सकते हैं और कुछ रिएक्शन पर नहीं लगाएंगे, ये ध्यान देना हमको। जैसे एक रिएक्शन है, समझिए इन अ रिएक्शन ऑफ टाइप ए ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, जैसे एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन है ZN, ZN से ZN2 पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है बाहर। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो हो जाएगा ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी, ए यहाँ पर x के बराबर हो गया, बी यहाँ पर को y के बराबर हो गया। समझ में गया, देखिए इसके बाद देखिए फिर देखो इसके बाद देखिए जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन ऑफ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली। क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो जो रिएक्शन केवल एक स्टेप की रिएक्शन होंगी उसमें तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर निकालने के लिए या रेट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज़ किया जाएगा वो सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाएंगी। और दीज काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और जिन रिएक्शन पे केवल एक ही स्टेप हो रहा होगा उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती हैं वो रेयर होती हैं, यानी कि जो आप मैक्सिमम रिएक्शन आप पढ़ते हैं वो ज़्यादातर रिएक्शन आपकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती। और जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप रिएक्शन होंगी वो सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं। और फिर से दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती हैं वो रेयर होती हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री रिएक्शन को उनके मॉलिक्यूलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा रहा है। एलिमेंट्री रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलिटी, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपकी आएगी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोले तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब है कि जैसे कोई ए है रिएक्टेंट, उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे ए से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए N2O4 कन्वर्ट हो जा रहा है ट्वाइस NO2 पे, तो ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट आपको एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब जैसे दो रिएक्टेंट, जैसे ए प्लस ए रिएक्टेंट हो गए, दो हो गए, इससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर NaCl प्लस NaCl ट्वाइस NO पे कन्वर्ट हो रहा है, प्लस या क्या बना रहा है Cl2। ये NaCl का एक हो गया मॉलिक्यूल, ये NaCl का दूसरा हो गया, ये ट्वाइस NO बन गया और यहाँ Cl2 बाहर निकल गया। ठीक है, यही रिएक्शन बाई मॉलिक्यूल दूसरी तरह से भी होती है कि
डिफरेंट रिएक्टेंट है, एक ए है दूसरा बी है, तो ए प्लस बी इससे प्रोडक्ट बन रहा है। ए आपका ये हो गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हो गया NO3, तो इससे NO2 बन जा रहा है आपका, दूसरा CO2 बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही तीसरी रिएक्शन होती है ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन क्या होगी, इससे ए प्लस बी इससे प्रोडक्ट बन रहा है, ये ए और ए के हो गए एनओ एनओ और ये बी हो गया O2, तो इससे बन गया ट्वाइस NO2, ये ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन हो गई। अपने यहाँ पर एक बात समझनी है कि ऑल द अदर रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो भी ऐसी रिएक्शन होंगी जो सिंगल स्टेप नहीं है, मल्टीपल स्टेप हैं, उन सभी रिएक्शनों को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। और मोस्ट रिएक्शन दैट वी ऑब्जर्व इन नेचर आर और दिस टाइप, यानी कि जो मैक्सिमम आपको रिएक्शन मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, आपको कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आपने समझना है, तो रिएक्शन है आपकी जो हो गई वो दो तरह की हो गई। एक हो गई सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन हमने पढ़ी थी उस सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, जो रेयर होती है। और दूसरी होती है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉमनली ऑब्जर्व इन नेचर, नेचर में आपको ज़्यादा ये यही रिएक्शन दिखाई देती हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान देनी है, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाउंड करते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है, RDS, RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे क्या होता है, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन है, ध्यान देना है, अब आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, देखिए इसमें क्या होगा, एक ही स्टेप होता है, ए से बी बन रहा है। जब ए से बी बन रहा है तो आपको समझना है एलिमेंट्री रिएक्शन में, ए से जब बी बन रहा है तो ए से बी बनने में ये ध्यान देना है आपको कि इसमें केवल एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप है, तो उस स्टेप का जो रेट होता है वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS कहलाता है। क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS। ये किस बात कर रहा हूँ मैं, एलिमेंट्री रिएक्शन की। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें केवल एक स्टेप होता है, तो उस एक स्टेप का जो रेट होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, आप देखेंगे कि जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जब ए से बी, बी से सी और सी से डी बन रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि जब ये ए से बी बन रहा है तो एक स्टेप यहाँ पर हो गया, बी से सी बनना है तो दूसरा स्टेप यहाँ पर हो गया, सी से डी बनना है तो तीसरा स्टेप यहाँ पर हो गया। तो ये तीनों स्टेप में क्या होता है कि जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसे हम RDS कहते हैं, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मान लीजिए इसका बी से सी बनने वाला स्टेप स्लो स्टेप है, तो वही स्टेप क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसको हम एक कार एनालॉजी से समझते हैं। देखिए मान लीजिए किसी फैक्ट्री पे कार बन रही है, तो जैसे ये यहाँ पर को इसकी असेंबलिंग हो रही है, फिर यहाँ पर कोई दूसरा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर इसका इंजन हाउस है, यानी कि मतलब इसमें इंजन फिट हो रहा है यहाँ पर को, और उसके बाद यहाँ पेंटिंग हो रही है, और यहाँ कुछ और चीज़ इस पर लाइटिंग वाइटिंग लग रही है। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे स्टेप पे जो इंजन हाउस है, सबसे ज़्यादा टाइम कार को यहाँ पर लग रहा है इंजन हाउस में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये चीज़ प्रोसेस क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब कि कार कितना, जो कार का प्रोडक्शन होगा किसी कंपनी में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इंजन हाउस पर, जितना टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो वही बात रिएक्शन पे हो गई, जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन पे ए से बी, बी से सी, सी से डी बन रहा है, तो जो इसमें स्लो स्टेप होगा वो स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना है, इसी चीज़ को हम पीछे क्वेश्चंस पे भी क्या करेंगे, इनका एप्लीकेशन करेंगे।